हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी इंडियन वॉरियर के बारे में सुनाना चाहूँगी जो कि बहुत ही बहादुरी से लड़ी ब्रिटिशर से, ताकि सो दैट हमारा इंडिया फ्री हो सके उन ब्रिटिशर से। तो आपने सुना ही होगा रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ झांसी। मैं इस स्टोरी से इतना इंस्पायर हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको सुना दूं। तो लेट अस बिगिन। नवंबर 1828 में बॉर्न हुई हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने ब्रिटिशर से लड़ी हमारे इंडिया के लिए, वो उनका असली नाम असल में था उनका असल में नाम था मणिकर्णिका तांबे, जिनको पाला वाराणसी के राजा ने। अब मैं आपको उनकी शादी की कहानी बताने वाली हूँ कि शादी के बाद क्या हुआ। उनकी शादी हुई गंगाधर राव से, जो कि झांसी के राजा थे, और इसके बाद फाइनली वो झांसी की रानी बनी। उसके कुछ दिनों बाद उनका एक बच्चा भी हुआ था, जो कि उसके अगले दिन के परेड के बाद मर भी गया था। तो इसलिए उन्होंने राजा गंगाधर राव के कजन के बेटे यानी कि आनंद राव को गोद लिया। उसके बाद जब रानी लक्ष्मीबाई को पता चला कि ब्रिटिशर्स इतनी सारी चीज़ें छीन चुके हैं इंडिया से, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसका रिवेंज लूँ उनसे लड़के। और वो लड़ी अपने आखिरी दम तक। और उसके बाद जब उनका लास्ट वॉर हुआ ब्रिटिशर्स के साथ, तो वो मर गई उसी टाइम जब उन्होंने गन पाउडर पे स्टेप किया। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी और आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद लाइक भी करिएगा और बेल आइकन पे भी दबाइएगा। थैंक यू।